जय श्री राम। तो आज की वीडियो में सोमनिफेरस का जो मीनिंग है वो हम देखेंगे, वो भी वर्ड रूट के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें तीन वर्ड रूट है हमारी, सोमनिफेरो प्लस ओ यू एस, तीन वर्ड रूट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो तीनों वर्ड रूट को बहुत ध्यान से समझेंगे। सोमनी का मतलब क्या होता है? सोमनी का मतलब होता है आपका स्लीप, स्लीप मतलब सोना। जब आपको स्लीप से रिलेटेड कोई वर्ड्स आ जाए तो समझ जाना सोमनी है। एंड फिरो का मतलब होता है टू कैरी, किसी चीज को कैरी करना। एंड ओ यू एस आपकी होती है एडजेक्टिव, जिस भी वर्ड में ओ यू एस लग जाता है वो एडजेक्टिव बन जाता है आपका वर्ड। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। तो सोमनिफेरस का जो मतलब है वो क्या हो गया? निद्राजनक। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके सामने एक एग्जांपल आपके सामने है, ए सोमनिफेरस लेक्चर। हो जाता है ना कि जब कोई आप मतलब कोई लेक्चर आपके सामने, लेकिन आपको उस लेक्चर में नींद सी आ रही है, या आप कह सकते हो आपको नींद फील हो रही है कि मतलब बोर हो रहे हो आप, तो सोमनिफेरस लेक्चर इज सो डल एंड बोरिंग दैट इट इज स्लीप इंड्यूसिंग। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो सोमनिफेरस का मतलब क्या हो गया? निद्राजनक, मतलब बोरिंग, जब आपको बोरियत फील हो या फिर आप कह सकते हो डल सा लग रहा हो, तो आप उस वर्ड का यूज कर सकते हो सोमनिफेरस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।